नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉजर चैनल में। आज हम एक नए विषय के साथ में इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। यह विषय है जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सच्चा प्यार कैसे पाया जाए। पूरे जीवन के लिए एक अच्छा साथी खोजने में सफलता ना मिलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कमजोर प्रेम जीवन के ज्योतिषी कारण, जानिए सही लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए 12 टिप्स। हम इस बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को ज्योतिष नियम के अनुसार लव लाइफ में सफलता कब मिलती है, और यदि ग्रह बहुत सहायक नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए। आइए जानते हैं मनचाहा जीवन साथी या प्रेमी ना मिलने के ज्योतिषीय कारण। ये संभव है कि कमजोर लग्न के कारण आपको अपने और दूसरों पर विश्वास करने में परेशानी आ रही है, और इसके कारण आप एक अच्छे प्रेमी होने से वंचित हो रहे हैं। जन्म कुंडली में कमजोर चतुर्थ भाव या फिर खराब चतुर्थ भाव अगर हो तो जातक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में कुंडली में चौथा घर जीवन में खुशहाली से जुड़ा है, और यदि कोई खराब ग्रह या दुर्बल ग्रह यहाँ मौजूद है, या यदि यह घर उचित शक्ति उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो भी जातक को जीवन में सही अर्थ में प्यार पाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में शक्तिशाली शुक्र का न होना भी एक कारण हो सकता है। शुक्र एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, और इस तरह एक जीवन को शानदार बनाता है। लेकिन शक्तिहीन शुक्र या खराब शुक्र व्यक्ति को अच्छे प्रेम जीवन से वंचित करता है। यदि जन्म कुंडली का सातवां घर अच्छा नहीं है तो भी व्यक्ति को सही साथी मिलने में परेशानी आती है, और अगर विवाह हो भी जाए तो साथी के साथ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मामले में बहुत सी गलत फहमियाँ जीवन को नरक बना देती है। भाग्य स्थान का कमजोर होना भी जातक को लव लाइफ में परेशानी देता है। इसका मतलब है कि यदि नवा घर कमजोर या शक्तिहीन या खराब ग्रहों से युक्त हो तो दुर्भाग्य के कारण भी व्यक्ति को जीवन में बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि यदि शुक्र शुभ है, चौथा भाव भी अच्छा है, सातवां घर भी शुभ है, लेकिन यदि शुक्र राहु या मंगल जैसे किसी बुरे ग्रह के साथ युति करके कुंडली में बैठा है तो ऐसे में भी जीवन में सच्चा प्यार पाने में जातक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऊपर मैंने ज्योतिष के कुछ कारण बताए हैं जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के प्रेम जीवन या व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके उपाय जरूर करने चाहिए। अब आइए जानते हैं लव लाइफ को मजबूत और स्वस्थ बनाने के कुछ आसान तरीके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस समस्या से कैसे उभरा जाए, हमारे प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। इसके लिए सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ग्रहों की शक्ति हासिल करना परम आवश्यक है। यह माना जाता है कि यदि ग्रहों में कोई समस्या है, दुर्भाग्य के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो कुछ पूजाएं, रत्न का प्रयोग, प्रार्थनाओं के द्वारा हम जीवन को सुधार सकते हैं। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो अपने इष्ट देवी या देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करें, और अपने जीवन में सच्चे प्यार करने वाले व्यक्ति को भेजने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। ज्योतिषी से परामर्श लेके उन उपायों को करें जिससे जीवन बेहतर हो सके। यदि आपके लग्न चौथे घर एवं सातवें घर में दोष उत्पन्न हो रहा है तो दोषों को कम करने के लिए शांति पूजा के लिए भी जरूर कदम बढ़ाएं। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो रोजाना सुबह और शाम को ध्यान करना शुरू करें और अपनी आभा को सकारात्मक बनाएं। इसके साथ सकारात्मक दिमाग वाले दोस्त भी बनाएं जो आपके आत्मविश्वास के स्तर को प्रेरित और बढ़ावा दे सके। यदि आप जीवन में सफलता लाने के लिए कुछ मंत्र का जप कर सकते हैं तो बेहतर है कि इसे किसी ज्योतिषी या विद्वान से प्राप्त करें और उसका जप शुरू करें।
कन्याएं अच्छे जीवन साथी पाने के लिए कात्यायनी पूजा या माँ दुर्गा की पूजा शुरू कर सकती हैं। जीवन को बेहतर और अद्भुत बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आवश्यक है कि सकारात्मक रूप से कदम उठाया जाए। सबसे पहले अपने आप में विश्वास करें और फिर विश्व आप में विश्वास करेगा। ऊपर मैंने जीवन में सच्चे प्यार पाने के लिए ज्योतिष के कारणों को बताया है, लेकिन अब मैं कुछ व्यवहारिक सुझाव भी बताने जा रहा हूँ जो आपको सच्चे साथी की खोज में और जीवन का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं। सच्चा प्यार पाना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कोई भी अकेले और बिना प्यार के जीवन जीना नहीं चाहता। एक अच्छा साथी जीवन को जीने का एक बेहतरीन कारण देता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कुछ व्यवहारिक कारण या व्यवहारिक टिप्स। एक निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, इसलिए जल्दी में कभी कोई कदम ना उठाएं। विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान में रखें और फिर तय करें कि आपको किसके साथ जीवन यापन करना है। यह एक सच्चाई है कि वास्तविक खुशी भीतर से आती है, लेकिन बाहरी कारकों को भी जीवन जीने के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यदि आपके पास खुला हृदय है, अच्छा जीवन जीने की ललक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। आइए जीवन को प्यार से भरने और सच्चे जीवन साथी को चुनने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स को जानें। सभी को अपने आप को जांचना चाहिए और अपनी खुद की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो एक सच्चे साथी की तलाश में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। कई लोग कहते हैं कि वे पहली मुलाकात में प्यार में पड़ गए, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। कई लोगों ने पहली मुलाकात में उठे भावनाओं में फंस के गलत निर्णय लिए और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। इसीलिए ऐसा ना करें। जब बात पूरे जीवन भर की हो तो अत्यंत सावधानी के साथ कदम उठाएं। जानिए आप वास्तविकता में क्या चाहते हैं, आपका अपना स्वभाव क्या है और किस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में आपके लिए सही रहेगा। आकर्षण और सच्चे प्यार के बीच में अंतर जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसलिए जल्दी मत कीजिए। अगर आप अलग अलग व्यक्तियों से मिल रहे हैं तो अपने आप को और दूसरों को भी एक दूसरे को ठीक से समझने के लिए समय दीजिए। सच्चे जीवन साथी के बारे में निर्णय लेते हुए बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना अच्छा होता है। इन दिनों में हम देख सकते हैं कि ब्रेकअप के मामले नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि हम अपनी जरूरतों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और जल्दबाजी में निर्णय ले देते हैं। यह एक सच्चाई है कि यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो। इसलिए भावनाओं के आवेश में आके गंभीर निर्णय न लें। उस व्यक्ति के साथ समय बिताएं जिसे आप अपना सच्चा जीवन साथी समझ रहे हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उसके साथ समय बिता के देखिए कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपके लिए वो व्यक्ति सही है या नहीं। पार्टनर को फाइनल करने से पहले पूरा समय लें, बिल्कुल जल्दी ना करें। एक और महत्वपूर्ण समस्या है जो कि किशोरों में देखी जाती है कि वे सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे दोस्त अच्छे जीवन साथी बने यह जरूरी नहीं है। इसलिए जब सच्चे प्यार के बारे में फैसला करने का समय आता है तो साथी का चुनाव सिर्फ इसलिए ना करें क्योंकि वह आपका अच्छा दोस्त है। कई बार यह परखें कि वह आप पर कितना ध्यान दे रहा है, वह आपकी भावनाओं को समझता है या नहीं, क्या साथी परिवार की जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है, क्या आप वास्तव में उसके साथ शांतिपूर्ण समय बिताते हैं। अपने लिए सही साथी चुनते समय भी निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, और ये है शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आय का तरीका, पारस्परिक कौशल, विभिन्न परिस्थितियों में बातचीत करते समय वह आप
को कितना सम्मान दे रहा है आदि। हर व्यक्ति में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो छिपे हुए होते हैं और एक अच्छा ज्योतिषी इसे कुंडली पढ़कर प्रकट कर सकता है। इसलिए अपने लिए जीवन साथी फाइनल करने से पहले हमेशा सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी से मार्गदर्शन जरूर लें। कुछ लोग सोचते हैं कि शादी एक जुआ है और भाग्यशाली लोग ही इसे जीतते हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद है कि ऐसा नहीं है। हमारी अपनी प्रकृति, आलसी प्रकृति, सावधानी न रखना ही हमें अंधेरे में ले जाता है। इसलिए सतर्क रहें और अपने जीवन को अद्भुत, सफल और प्यार से भरपूर बनाने के लिए हर कदम उठाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि यौन सुख केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसके परे जाकर विचार करें। पूरे जीवन के लिए किसी को भी चुनने से पहले उसकी प्रकृति, दृष्टिकोण, भावना, विभिन्न परिस्थितियों को संभालने की शक्ति, सोचने का तरीका आदि को जांचें। वर्तमान समय में ब्रेकअप जीवन का एक हिस्सा है और इसीलिए अपने दिमाग को तैयार करें और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। किसी भी पिछले रिश्तों के बारे में खुलकर पूछें और इस विषय को आगे ना बढ़ाएं। जिस व्यक्ति के साथ आप पूरी जिंदगी बिताने जा रहे हैं उससे सवाल पूछने से डरे नहीं। कुछ समय बिताएं, एक दूसरे का ठीक से विश्लेषण करें और फिर आप पाएंगे कि सच्चा प्यार आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दूसरों के अनुभवों का उपयोग करें, ज्योतिषी की मदद लें और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे सफल होता है। आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत उपयोगी जानकारियाँ मिली होंगी। अपने भीतर सच्ची खुशी को पाने के लिए कदम जरूर उठाएं। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस वीडियो को लिखित रूप में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।